देवसेना को किसी ने हाथ भी लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दी। तेनू खोण तो डर दी मैं बे चुप कर जानी बेटा मैं जहरी जा तेरा मेरा रिश्ता गल गल ते लड़ दे सावली सलोनी अदाए मन मोनी तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी चंदे की बोतल में तेरा अपना तुझे घट घट मरती हूँ कोका कोला तू हेलो मम्मी मेरी ना इनसे लड़ाई हो गई है तो मैं ना 4-5 दिन के लिए घर आ रही हूँ रहने के लिए। अरे तू क्यों आ रही है? झगड़ा वा हराम खोर ने करो है ना। हाँ, तो सजा भी वही मिलनी चाहिए। तू रुके और मैं आ रही हूँ 5-6 महीना को। क्या बॉलीवुड एक्टर टिकटॉक एक्टर ये मैंने 3 दिन पहले डाली वीडियो 40,000 लाइक आ गए। अच्छा सर मैंने भी 1 घंटे पहले डाली इसमें 7 मिली लाइक आए। ये coming down the data तेनू खोण तो डर दी मैं बे चुप कर जानी बेटा मैं जहरी जा तेरा मेरा रिश्ता गल गल ते लड़ दे for a minute take some tambaku right. What did you do with then this? Take some chuna all right and ragad dana dana then grab in your fingertips all right open the girl was bad the girl was dangerous इन लोगों के बारे में मत सोचो कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा मां होती है बहुत ही प्यारी बात कहूंगा मां
एक बार एक बूढ़ी औरत किसी पार्क में अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी। पास ही में एक कौवा भी बैठा हुआ था। माँ ने अपने बेटे से पूछा, बेटा ये क्या है? बेटे ने जवाब दिया, माँ ये कौवा है। माँ ने फिर पूछा, बेटा ये क्या है? बेटे ने जवाब दिया, माँ ये कौवा है। माँ ने फिर पूछा, बेटा ये क्या है? इस बार बेटे को गुस्सा आई और बेटे ने गुस्से में कहा, माँ तुम्हें कितनी बार बताना पड़ता है कि ये कौवा है? माँ हंसी और माँ ने हंसते हुए कहा, बेटा जब तू 5 साल का था ना तो यही जगह थी और ऐसा ही कौवा बैठा हुआ था और तूने मुझसे 70 बार पूछा था कि माँ ये क्या है और मैंने 70 बार तेरा माथा चूम कर कहा था कि बेटा ये कौवा है, ये कौवा है। अपनी माँ से हमेशा प्यार करें। अगर ये हस्ती चली गई ना तो जिंदगी में